things que are compliant to the system. लेकिन ये दोनों शख्स आपस इनका काम डोनेट्स के साथ फीमेल्स के केस में ओवरीज मेल्स के केस में टेस्टिस ये इनका काम है दोनों ये सेक्स हार्मोन जी डोनेट्स के अंदर नीचे में लिखने के वाले हार्मोन एलेक्स एक्स If the sex responsible for a female being is the female, our birth happens. Male being is better, male being is better. Ab kis kis pe kya karega? Wahan se kis kis ko naam bata de? मैंने कहा ना स्टोरी है तो ये आगे ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपने अपने काम जब आपसे हार्मोन फंक्शन पूछा जाता है ना तो उसके सवाल का फंक्शन पूछा जाता है जी नाभिक का फंक्शन पूछा जाता है फंक्शन ऑफ फलाना चाहे वो डिस्क ना हो चाहे वो उसके सवाल में कोई एक हो या एमएच हार्मोन की वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो फीमेल के केस में ये क्या है ओवरी प्रोटेक्शन का है मगर क्या करेगा हाँ प्रेगनेंसी बाद में सबसे पहले ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा देखो सारी बातें कॉमन सेंस है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से कुछ नहीं समझ लिया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इसमें thousands of follicles होते हैं और हर follicle से ओवरी निकल ओवम बन गया एक बन एक अब ये क्या करेगा ऐसे उन follicles को stimulate करेगा उन grow करेगा पहले छोटे छोटे होते हैं embryo एक secondary construction एक बन गया हर महीने एक एक रिसर्च करता है अगर नॉर्मल की ज्यादा की एक सीपी में तो उसका हाइपोथैलेमस हर महीने एक फंक्शन का मानता है इसी तरह ये बुनियादी हम इस चीज में जाके दो फंक्शंस करते हैं एक तो उसके सवाल करवाए दूसरा वहां पर कुछ और सेल्स होते हैं लेटेक सेल्स वहां से कुछ सेवा है सार्कोजी सेल्स से स्पॉन्डोजिनेसिस तो मैं ये काम कर रहा हूं ये डैमेज नहीं करेगा ये टेस्टोस्टेरोन अब फंक्शन जब आपसे हम पूछते हैं और आप फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन तो आप जो वो बात है एनएच को बढ़ाता है, एनएच को बस इतना है, और एनएच को ओन रिलीज करवाता है, जी, अब आपका इसमें समझ आ रही है, सीक्वेंस सीक्वेंस आ रही है, ऑर्डर ऑर्डर या सीक्वेंस समझ आ रही है, जी सर, अच्छा, और दूसरा तो तीसरा तो चौथा आपको कौन सा है? नाम भूल जाता है लेकिन टीएसएच यहां से वहां यहां से क्या आएगा वैसे कॉमन सेंस से ये सब एक साथ है टॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन
ठीक है, ये आ रहा है आएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से आने के बाद वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अपना एक्शन करेगा, एक मैसेज देगा, उस मैसेज के रिस्पांस में जैसे मैंने कहा कि इसके काम के लिए बात की जो आप कह रहे हैं आपको नहीं पता, बाकी बॉडी को नहीं पता कि मैंने क्या कहा, लेकिन मेरा मकसद तो किसी के साथ है, मुझे पेन चाहिए और बस मैंने उसको बता दिया, क्या सब लाउड वॉइस में सुनाने की जरूरत तो नहीं, और ये समझ लिया बस जा के लिए ऐसा हो, बाकी बॉडी अपने काम में बिजी, यहाँ से आया कि रिसिप्ट एपी से मेरे पिछुटी से रिलीज करवा दिया, ऐसा रिसिप्ट अपना काम करेगा, जाके इसने किसी और ऑर्गन से कुछ दूसरी चीजें रिलीज करवा दी, जैसे कि मेरे कोल और पिस्टिस की एग्जांपल है। अब ये क्या है, नाम से जरा सोच के बताओ, रिसिप्ट मींस थायराइड सेकुलरी नाम, अभी क्या करें सिंपल थायराइड पे कुछ स्टिमुलेट करें तो वहां से क्या निकलेगा, हार्मोन क्या वे ट्राई हाइपोथैलेमिक और टिट्रा हाइपोथैलेमिक, इसी को जब भी किसी को बीमारी हो मसला हो तो उसका मसला तो पीटी फोर है, रेयर केसेस में आपको क्या मसला प्रॉब्लम हो सकता है, रेयर केसेस में एक जनरली कोई तो क्या करते थायराइड की नहीं करते होता है, आप नहीं करते थायराइड की नहीं, थायराइड गैंड को रिमूव कर लेते हो आप प्रॉब्लम है, लेकिन फिर ये एक जिंदगी भर उसको बूंदी देते हैं एक खास डोज में कुछ ना कुछ एटी बिफोर उसको मिले, अगर नहीं मिले तो टीपी के फोर के फंक्शन स्टोर करेगा, उसके मतलब वाइज ऑफ फंक्शन, अगर आज किसी बंदे को एक्सवाइजेड आपको आपके इंसान ने इस एक्सवाइजेड की बॉडी से आपने सारे टीपी के फोर निकाल लिया तो वो जिंदा नहीं रह सकता, पहले तो उसको टीपी ऐसे नहीं क्योंकि वो कैंसर में रहा होगा, इसी तरह अगर ग्रोथ हार्मोन में मसला आएगा तो वैसे पॉसिबल तो यहाँ भी है और थायराइड ग्लैंड में भी पॉसिबल है, लेकिन जनरली मसला ही होता है, आप भी देखता हो या गाइड करो जाता है या कोई मसला हो जाता है आपका हार्ट में, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने हाइपोथैलेमस शुरू की या किसी ने एंटीरियर पिट्यूटरी की सर्जरी करके उसको हटा दिया हो कि यार इसको तो टी3 टी4 हाइपर थे हमने इसका एपी निकाल दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो हम क्या कर लेते हैं थायराइड में थायराइडेक्टोमी की सब ठीक है, उसके ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं वो मेरे जैसा आप जैसा बस आम साइड नंबर ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहां से या यहां से सोमेटोट्रॉफ सेल्स कहते हैं जहां से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, तो उसे उसको सोमेटोट्रॉफ सो मैं तो नहीं सकता है आप देखते हैं कि मार्ग एक पीएच प्राप्त कि मार्ग एक पीएच इस सो में को प्राप्त बस तो किसी के सो में को प्राप्त से मसला यह है मगर अब सब मसला वो भी उसका आशा दो कामों में काम है दो कामों में काम है दो कामों में काम है तो नतीजा क्या
लेकिन आराम चलना हो तब तक बन सकता है जब जॉइंट्स आपस में जुड़े हो। अगर वो कहते 20 साल के बाद आराम चलना करने की कोशिश करेगा तो नहीं सकते हो, वो यंग बनी तो 20 साल तक उसका एपिडर्मिस या एक्रियर टू भी सक 20 साल के बाद अचानक वो खाना है यहाँ पर ग्रोथ आपको एक्सेसरी निकाल हुआ है तो आराम चलना तो नहीं बन सकेगी। मगर वो एक अजीब सी चीज है उस बात में एक तो भी नहीं हो गए।